हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं RSW मोबिलिटी लाइव ए मई 2023। तो फिर यहां पर हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी भाषा है उसमें आप यहां पर देख सकते हैं। प्रिय साथियों, परियोजना की अरब शाखा के अनुसार कंपनी मोबिलिटी लाइव एवं पूर्व 2023 प्रदर्शनी में भाग लेगी, जो 15 और 16 मई को अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्रालय विभाग के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगी। यानी 15 और 16 मई को एक एग्जीबिशन होगा, वहां पर ये कंपनी भाग लेगी। ठीक है, तो देखते हैं वहां पर क्या न्यूज़ आती है। गुड न्यूज़ अगर आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल संस्कृति और पर्यटन और प्रौद्योगिकी नवाचार संस्थान यह प्रदर्शनी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण गतिशीलता घटना है। आप चाहे तो वहाँ पर जा भी सकते हैं, जहाँ विघटनकारी प्रौद्योगिकी और नवाचार बहुत आवश्यक बदलाव लाते हैं। मोबिलिटी लाइव सभी विधाओं और विषयों में विघटनकर्ताओं, उनकी तकलीफ और हितकारकों के साथ उनके दृष्टिकोण को एक साथ लाता है। संवाद के लिए, अंतर्दृष्टि बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबिलिटी लाइव एम ई में भागीदारी परियोजना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समयबद्ध कदम है, क्योंकि ये स्ट्रिंग प्रौद्योगिकियों पर आधारित सबसे नवीन, पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और लागत प्रभावी परिवहन समाधान प्रदान करता है। और एक बात और, कंपनी यहां सिल्वर स्पॉन्सर के तौर पर भी काम करती है। मेहमानों को अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र अल खलीज अल अरबी सेंट अल रावदाय अल मेरिड अबू धाबी में बोथ D60 पर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर टाइमिंग दिया है 15 मई 9 से 17, यानी 9 से 5 बजे तक प्रदर्शनी का दूसरा दिन मंगलवार है, 16 मई 2023 9 से 5। तो ये प्रदर्शनी वहाँ पर होगी। वहाँ पर स्काईवे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और जो भी वहाँ पर एजुकेट किया जाएगा लोगों को, अगर चाहें तो लोग वहाँ आसपास के, यदि इंडियन के लोग अगर वहाँ पर रहते हैं तो वो भी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो कल यहाँ पर जो स्टेज है वो चेंज होगी। आप चाहें तो अभी निवेश कर सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं बना है तो बना लीजिए, क्योंकि 3-4 घंटे लगते हैं इसको वेरीफाई करने में, क्योंकि जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप यहाँ से कोई भी पैकेज नहीं ले सकते। दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि वहाँ पर वेरीफाई हो या ना हो, आप पैकेज पहले ले लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब तक आप KYC नहीं करते हैं, KYC आपका कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप यहाँ पर कोई पैकेज नहीं ले सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी जो कि पहले अगर यहाँ पर KYC हो जाता है तो उस वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, या KYC के बगैर ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो बगैर KYC का आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास समय है, अभी भी आप पैकेज को बुक कर सकते हैं। ओके, तो 15वीं स्टेज चेंज हो जाएगी, वहाँ पर जो पैकेज हैं उनका रेट भी बढ़ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।